देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तू खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही, जा अंदर। नहीं जाएंगे। आप ना उन्हें डरा सकती है, हमें नहीं, क्योंकि हमें मौत का डर नहीं है। वैसे भी ध्रुव जी को हमसे छीन कर आप लोगों ने जिंदा लाश बना के रखा है। जलाइए ना हमें, जलाइए, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी हमें। लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि हम ध्रुव जी को भूल जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, ना आप, ना आप, ना धानी। कहा था ये मंगलसूत्र नहीं है, सात जन्मों का रिश्ता होता है। टीका कर दिया रे बचुआ, अरे इंसानों का नहीं देवताओं का अनादर कर दिया तू। हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा, ऐसा बेटा नहीं चाहिए। तुझे घर चाहिए, जायदाद चाहिए, सब ले ले। आज मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, वापिस नहीं आऊंगा, वापिस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। पापा बात तो सुनिए पापा। इसके पास तू जाने की जिद कर रही है सृष्टि, वो तेरी बहन का पति है। लेकिन उनकी किस्मत के धागे हमारे साथ बन चुके थे मम्मी। अगर ऐसा होता तो उस दिन तेरे साथ ये हादसा ना हुआ होता, तेरी जगह धानी उस मंडप में नहीं बैठी होती, आज धानी ये रिश्ता नहीं निभा रही होती। उसकी तकदीर का फैसला भगवान ने लिखा था, उसे तू नहीं बदल सकती। अब जानते हैं धानी को, जब उसे सच पता चल जाएगा ना, वो एक सेकंड भी ध्रुव जी के साथ नहीं रहेगी, वो उन्हें हमें सौंप कर वापस आ जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी बहन का घर तोड़ने की बात कर रही है तू नालायक? और आपसे हमने कहा था कि इसे सब कुछ सच बता दीजिए, उस समय सच बता देते तो आज चीजें संभल जाती। और तू हमारी बात कान खोल कर सुन ले, जब तक ध्रुव और धानी का रिश्ता संभल नहीं जाता तू उनके सामने नहीं आएगी। अरे तेरे साथ जो होना था वो हो चुका, कम से कम हम धानी का रिश्ता तो संभाल ले। तेरी किस्मत का फैसला धानी के बाद होगा। ध्रुव जी प्लीज एक बार हमें आपसे बात करनी है। ध्रुव जी देखिए रोज ये सब करने का क्या मतलब है, आप देख रहे हैं ना हमारे परिवार पर क्या बीत रही है। होली तक का समय मांगा है ना हमने आपसे, प्लीज प्लीज एक बार हमसे बात कीजिए ध्रुव जी। ध्रुव जी ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ा है, भगवान ने जोड़ा है तो इसे हम भी नहीं तोड़ सकते, भगवान पर निर्भर करता है। बस एक बार बात करने दीजिए हमें आपसे। ध्रुव जी